Recently at the media interaction, Deepika Kakkar speaks on her journey, and when the reporter compares her journey with Shishant, what the actress said in the interview, have a look. कुछ टिप्स मिली नहीं. मेरा ये कॉन्फिडेंस था कि अगर घर में कोई टॉप टू होने चाहिए तो वो मैं और भाई होने चाहिए, और ये चीज़ मैंने बहुत स्ट्रांगली वॉइस आउट भी की थी जो डिबेट वाला टास्क हुआ था उसमें, जब हम टॉप फाइव बैठे हुए थे. मैंने ये बहुत कॉन्फिडेंटली वॉइस आउट किया था बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि पूरी जर्नी में अगर कोई दो लोग बिल्कुल रियल रहे हैं तो वो मैं और भाई ही रहे हैं. सो द फैक्ट दैट वी टू वर द वंस टू पुट ऑफ द लाइट एंड वॉक आउट एट द एंड वॉज द प्राउडेस्ट फॉर मी. उसके बाद हम ये तो जानते ही थे कि कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा फॉर श्योर. और मैंने उस वक्त भी भाई से, जब हम दो घर में वापस आए दीपक के जाने के बाद, तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि अब हम यहाँ तक आ गए हैं, अब जो भी जीतेगा जाहिर सी बात है जनता को उसकी जर्नी ज़्यादा पसंद आई, एंड वो हुआ. दीपिका शीशांत हमेशा अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन घर में भी उन्होंने यही कहा था कि दीपिका के ज़्यादा चांस है विन होने के लिए बिकॉज शी इज़ द फेस ऑफ कलर. और कल भी उन्होंने इंटरव्यू में सीधा ही ऐसा बोला था कि शायद से दीपिका इसलिए विनर हुई क्योंकि वो कलर्स की फेस है. नहीं, उस बात पे मैं उनसे उस वक्त भी नाराज़ हुई थी कि ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है. क्योंकि जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ऐसा होता तो मैं झलक सीजन भी जीतती, ऐसा कुछ भी नहीं है. मुझे लगता है बिग बॉस एक शो है जिस वेयर यू आर टू विन हार्ट्स, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मैंने अपने आप को घर में किस तरह से कंडक्ट किया है पूरी जर्नी में. इट्स अ जेस रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड.